हेलो दोस्तों, काजलवाल ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद हुआ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने पुराने वाले लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग छाया में शूट किया करते थे वीडियो। और इस वक्त यहाँ पर सारे पेड़ के पत्ते सारे झड़ चुके हैं और इस वक्त बिल्कुल साफ़ लग रहा है, बिल्कुल साफ़ देख सकते हैं गाइस, एकदम साफ लग रहा है। एक भी जीव जंतु अगर यहाँ से गुजरेगा तो दिखाई तुरंत देगा। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आया और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और इतना मज़ा आ रहा है गाइस कि बता नहीं सकते। और अकेले भी हैं और अकेले होने के साथ साथ गाइस आज काम पर जाने का मन भी है और नहीं भी जाने का मन है, क्योंकि गाइस आज साल थोड़ा सा उभर गया है और हाथों में कल का चोट लग गया, जिसकी वजह से काम करने का ज़रा सा भी मन नहीं है। लेकिन गाइस इस वक्त मजबूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और पैसे का मुझे सख्त ज़रूरत है, तो गाइस मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन गाइस कल 100% में छुट्टी पर रहूँगा, वो भी 20 से 25 दिनों के बाद। तो गाइस मैं ब्लॉगिंग इस वक्त कर रहा हूँ लेकिन गर्दन घुमाने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और इसकी वजह से काम भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा हमको ये लगता है कि पेड़ के जो टहनी है और वो पत्ते हैं वो एकदम नीचे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ऐसे ब्लॉग बनाने में। देख रहे हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे जब किसी पेड़ का टहनी नीचे होता है और पत्ते भी नीचे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी आप लोगों ने गाइस अपने गाँव में देखा भी होगा कि आम के जो पेड़ के जो टहनी होते हैं, जब आम टहनी में लग जाते हैं तो वो लटक कर ज़मीन को छूने लगते हैं। जब वो लटक कर ज़मीन को छूने लगते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लगते हैं और उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं बैठकर उस आम के पास बस टाइम पास करता रहूँ और उसे देखता रहूँ। क्योंकि गाइस उस वक्त सोचिए, अगर जो फल पेड़ पर लगा हो वो पेड़ में भी लगा रहे और धरती पर भी टच रहे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने ये सब कब देखा करता था, पहले मैं ऐसे देखा करता था किसी पिक्चर्स में या फिर किसी फ़ोटो में, जब मैं कहीं से फ़ोटो मंगाता था या यूट्यूब फेसबुक पे देखता था। तो वैसे कभी कभी वो रियल भी हो गया। एक बार मैं गया बगीचे में, बगीचे में जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर भी ऐसा ही था। लेकिन गाइस अब वो समय आ रहा है और धीरे धीरे गर्मी का माहौल बदल रहा है, ठंड का माहौल धीरे धीरे जा रहा है, ठंड यानी कि धीरे धीरे अब जा रहा है, अब गर्मी आ रही है। तो गर्मी आ रही है तो गर्मी में जाहिर सी बात है आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकेंगे और जाएंगे भी तो आप पसीना से एकदम तंग हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपको एक छाया की ज़रूरत होगा वहाँ पर एकदम बैठने और सोने का। ज़रा सा बैठ जाएंगे तो वहाँ नींद लगने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गया और मैंने बैग भी ले रखा है और मेरा साइकिल जो है वहाँ पे है, देख सकते हैं वहाँ पे मैंने खड़ा किया है रोड पर। गाइस यहाँ पे इस वक्त केवल मैं हूँ और मेरी टीम जो है वो थोड़ा रेस्ट चाहती थी, इसलिए मैंने उन लोगों को छोड़ दिया है रेस्ट के लिए। हालाँकि मैं रेस्ट नहीं लेना चाहता, खास करके यूट्यूब पर मैं पर डे अपलोडिंग करना चाहता हूँ वीडियो और पर डे ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। गाइस चेंज करने में हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है पीठ, लेकिन आज हो भी सकता है कि मैं छुट्टी मार दूँ, क्यों गाइस कितना दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ आने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे और मेरा थोड़ा सा टाइम भी पास हो गया। मैं जल्दी इसलिए चला आया कि मैं थोड़ा टहल सकूँ। ठीक है गाइस देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग भी साथ में होते तो आप लोग को भी मज़ा आता। देख रहे हैं ऐसा है हमारे गांव का माहौल और ऐसा है हमारे गांव का बारी और बगीचा, जहां पे मैं भरपूर एंजॉय कर सकता हूं। ये देख सकते हैं बगल में ये डाल भी है, पेड़ भी है। ठीक है गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे गाइस हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन
एक एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनली बाय बाय, लव यू गाइस, सपोर्ट करिएगा भाई को दिल से।